बिहार के अंदर में अधिवक्ताओं का एक अहम रोल होता है और आए दिन अधिवक्ताओं पे जानलेवा हमले हो रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं अधिवक्ताओं के साथ हो रहा है। वैसे ही आज हम बातचीत करते हैं हिलसा अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष सह बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति बिहार के प्रदेश महासचिव दिलीप कुमार सिन्हा से। आप बताइए सर कि अधिवक्ताओं पे क्या समस्या है और इन दिनों क्या चुनौतियाँ आ रही है। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि पूरे बिहार राज्य में अधिवक्ताओं के साथ जो समस्या है और जो समस्याएं उनके साथ चल रही हैं, उन समस्याओं पर बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एवं हमारा जो मुखिया बैठा हुआ है बीसीआई के माननीय मनन कुमार मिश्रा जी, जो अधिवक्ताओं की जन समस्याएं हैं, जो आपराधिक घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, उनकी हालात और आर्थिक हालात इस कोरोना काल में बद से बदतर हो गई, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं पूरे देश भर के अधिवक्ताओं से और ख़ास करके अपने बिहार राज्य के अधिवक्ताओं से यह अपील करता हूं कि जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून को लागू करवाने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव डालें और जल्द से जल्द सुरक्षा का जो कानून बनाया गया है उसको लागू करवाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार राज्य में वेलफेयर स्टाम्प की बिक्री सरकार और कॉलोजियम सिस्टम के साथ जो बिक्री हो रही थी, उस जबकि कीमत उसका 5 रुपया था, तब से बिहार राज्य युवा अधिवक्ता कल्याण समिति इसके लिए संघर्ष किया और 5 रुपये जब टिकट का मूल्य था तो वकीलों का, माननीय अधिवक्ताओं का रिटायरमेंट 7 लाख रुपये मिलता था। आज की स्थिति में वेलफेयर स्टाम्प का कीमत में 7 गुना वृद्धि हो गई, लेकिन जो रिटायरमेंट है, जो लाइफ रिटायरमेंट अधिवक्ताओं का है, वो 35 लाख होना चाहिए। 10 अक्टूबर 2020 को पटना दानापुर में हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें पांच मांग थी। पांच मांग हमारा जो था वह बिहार स्टेट बार काउंसिल से मांग था हम लोगों का। पहला मांग ये था कि जो लाइफ इंक्रीजमेंट है, लाइफ रिटायरमेंट का जो पैसा है, वो जो बढ़ोतरी हुई टिकट पर, उसमें आज के हिसाब से प्रत्येक अधिवक्ता को 13,50,000 रुपया प्रत्येक अधिवक्ताओं को रिटायरमेंट पर मिलना चाहिए, जो अभी नहीं हो सका है, और इसको जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। 13 लाख, मैं एक बात और साफ करता हूँ, 13,50,000 रुपया ये पूर्व की राशि है। आज के डेट में जो स्टाम्प की बढ़ोतरी हुई, उसमें कम से कम देश के, बिहार राज्य के सभी अधिवक्ताओं को कम से कम 35 लाख रुपया उनका रिटायरमेंट होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये हमारा मांग बिहार स्टेट बार काउंसिल से है। दूसरा है कि एडवोकेट पेंशन रूल जो 2008 में जो लागू हुआ, वो आज तक बिहार राज्य में लागू नहीं हुआ, उसको जल्द से जल्द लागू करवाया जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर जगह आप देख लीजिए, हर लोग को पेंशन और का प्रावधान है, लेकिन यह पेंशन अटका हुआ है 2008 से, इसको लागू कराने का मांग हम लोगों ने किया था। और तीसरी बात है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का ऑडिट CAG से कराई जाए। बिहार स्टेट बार काउंसिल में आज तक ऑडिट नहीं हुआ। हमारे मुखिया, हमारे वहाँ बार काउंसिल के सदस्य, चाहे वो माननीय चेयरमैन साहब हों, चाहे सेक्रेटरी साहब हों, रिपोर्ट उठा करके देख लिया जाए, आज तक उसका ऑडिट नहीं कराया गया, जिस कारण से अब तक पूरे बिहार राज्य में कम से कम 650 अधिवक्ताओं का जो मृत्यु लाभ का पैसा है, वो आज तक अटका हुआ है, आज तक उनको नहीं मिल रहा है, आज तक उनके परिजनों के झोले में 1 रुपया भी नहीं गया। इसका कारण है कि जो बिहार स्टेट बार काउंसिल है, वहाँ रुपयों का आना और जाना, ये दोनों का ऑडिट नहीं हो रहा है। तो जल्द से जल्द हमारी मांग है कि इसको ऑडिट कराया जाए। और अब हम लोग की इन सब सवालों को लेकर के कल राज्य के हमारे अध्यक्ष और वरीय पदाधिकारी कल हिलसा में आ रहे हैं, उनके साथ हमारी बैठक होगी और जल्द से जल्द इन योजनाओं को लागू कराने के लिए
हम लोग जल्द से जल्द जो है बिहार सरकार का घेराव करने जा रहे हैं। इतना कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पब्लिक ऐप में कैसा अनुभव है आपका? पब्लिक ऐप न्यूज एक ऐसा न्यूज है जिससे हर जन जन की समस्याओं को उजागर करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जहाँ कोई नहीं, कैसा अनुभव हो रहा है आपका? अकाउंट वेरीफाइड हुआ उसके बाद? मेरा जो है कहना ये है कि पब्लिक न्यूज एक बहुत बड़ा अच्छा चैनल है, और जहाँ जन समस्याओं पर कोई पत्रकार नहीं पहुँच पा रहा है, उन चीज़ों को सामने आगे लाने में इनका बहुत बड़ा है। और मैं इनको सबसे बेहतर आज के समय में इनको बहुत बेहतर चैनल मानता हूँ, और इसमें मैं लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं मुझे अंत में यह कहना है कि अभी बहुत से समस्याएं हैं जहां पर उनको दिखाने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला कोई नहीं है, तो उन जगहों पर भी यह ऐप जाए और उन जन समस्याओं को जनता के बीच में रखे। इतना कह के मैं